दोस्तों पाकिस्तान को करारी हार देने के बाद रोहित शर्मा ने फिर कर डाली दो भूखे शेरों की अपने टीम इंडिया में एंट्री। जी मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने रोहित ने कराई दो भूखे शेरों की एंट्री, क्योंकि अब बांग्लादेश में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए रोहित शर्मा ने दो भूखे शेरों की अपनी टीम इंडिया में एंट्री करा दी है। जी मैं आपको बता दूं कि भारत VS बांग्लादेश का यह मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा। बांग्लादेश के लिए रोहित कप्तान ने मास्टर प्लान बनाया है और दो भूखे शेरों की एंट्री करा दी है। जी मैं आपको बता दूं पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बाबर आजम, विराट कोहली, रोहित शर्मा में आप किसे सबसे तगड़ा बल्लेबाज मानते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि कल यानी कि 14 अक्टूबर 2023 को दिन शनिवार को जो है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान का तगड़ा मुकाबला हुआ, जिसको देखने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ अन्य कई दिग्गज देश भी देख रहे थे। मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक रहा, जिसमें पाकिस्तान की टीम है वो ज्यादा करारी तगड़ी हार गई। जी मैं आपको बता दूं पाकिस्तान की टीम को बल्लेबाजी भी रोहित शर्मा ने पहले ही दी थी, क्योंकि टॉस रोहित शर्मा जीत चुके थे, फिर भी रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी का मौका पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान के बाबर आजम कप्तान भी खुश हो गए। सोचा कि मुझे बल्लेबाजी करने का पहले ही अवसर दे दिया है रोहित शर्मा ने, लेकिन ऐसा सोचा नहीं था बाबर आजम ने कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। बाबर आजम की टीम है वो 191 रन बना करके बिखर गई और सिमट गई। जी मैं आपको बता दूं कि भारत टीम के बॉलर इतने खतरनाक है, उनकी गेंदों को सामना नहीं कर पाए और पाकिस्तान की टीम है वो 191 रन बना करके सिमट गई और बस फिर क्या बल्लेबाजी करने के लिए हमारे रोहित शर्मा पूरे फॉर्म में आए। रोहित शर्मा ने इतने चौके इतने छक्के जड़े कि अकेले ही रन का जो है बारिश कर दी और काफी ज्यादा रन बना डाले। जी मैं आपको बता दूं कि कल का जो मैच बहुत ज्यादा रोमांचक मैच रहा, जिसमें पाकिस्तान की काफी ज्यादा बुरी हार हुई और इंडिया जो है अच्छे रनों से जीता। जी बांग्लादेश को हराने के लिए अब रोहित शर्मा ने दो भूखे शेरों की एंट्री कर डाली है, वो कौन से आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। शर्मा ने सूर्य कुमार यादव और शुभम गिल की एंट्री कर दी है। जी हाँ, वही सूर्य कुमार यादव जो गेंद मारते हैं तो गेंद दिखाई कहीं नहीं देती लोगों को। तो मैं आपको बता दूं सूर्य कुमार यादव की